नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगल आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। तस्वीरें दिखा रहे हैं पुलिस लाइन से, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सुबह से सरपंचों को था नज़रबंद किया गया था, आज उनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में लाया गया था, क्योंकि उनका कल ऐलान था भी कुछ भी हो जाए सीएम का विरोध होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। सुबह भारी पुलिस बल के साथ संतोष बेनीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सब सरपंचों की रिहाई है वो हो चुकी है। संतोष बेनीवाल हैं वो कैमरे के सामने हैं, तो बात करते हैं, नारे हैं वो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के, जो नारे हैं वो लग रहे हैं। पुलिस लाइन से है वो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सरपंच एसोसिएशन के जो प्रधान हैं जसकरण कंग, वो भी साथ में हैं, संतोष बेनीवाल साथ में हैं। और आपको ये बता दें कि जो ओटू का जो सीएम का प्रोग्राम था वो काफ़ी हद तक असफल रहा, और उसके बाद सीएम के जाने के बाद सरपंचों की रिहाई है वो कर दी है। मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो पुलिस लाइन में लग रहे हैं, तो कुछ ही टाइम में संतोष बेनीवाल से बात करवाते हैं और जानते हैं कि उनका अब का आगे का क्या प्रोग्राम है। लगातार अत्याचार हुए हैं, लगातार जो जिंदगी है हरियाणा सरकार की वो देखने को मिली है। आज बनी की बात करें तो बनी के ऊपर भी जो अत्याचार हुआ है, जो गुंडागर्दी हुई है, सरपंच के साथ गुंडागर्दी हुई है वो देखने को मिली है। तो संतोष बेनीवाल के साथ बात करवाते हैं और जानते हैं कि आगे की जो गतिविधियाँ हैं वो क्या है। हाँ जी संतोष जी, हाँ सुबह गिरफ्तार किया गया था, कल आपका ऐलान था कि विरोध होगा, विरोध तो आज भी हुआ, क्या कहना चाहते हैं, आगे की गतिविधि क्या है? आगे की जो हमारी गतिविधि है, हम ऐसे ही है, कोई भी जेजेपी और बीजेपी के विधायक आते हैं हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसने का काम करते हैं, तो हम किसी भी हालात में उनको नहीं बख्शेंगे। एक साइड वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, आज मैं महिला होने के नाते एक बात कहना चाहूँगी, जो अभी इसमें जो था इसका नैना जोड़ का जो प्रोग्राम था, उसने अपना दुपट्टा उतार के सीएम के पैरों में रखा, अरे कहाँ सम्मान की बात करते हैं, उन्हें सम्मान देना होता तो उसका दुपट्टा उठा के उसके सर पे रख के उसके हाथ रख के ऐसे बोलते कि जो भी है आपको इसमें जो भी है आपकी जो समस्या है वो मेरे आगे रखो और उसका हम पूर्ण रूप से आपको साथ देंगे। क्या कर दिया उन्होंने, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो बेटी पढ़ाओ बचाओ का नारा? आज बेटियों की इज्जत पे बात आती है, कोई भी बात आती है तो सरकार पीछे सरक रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ इनसे सरकार से। और विरोध की बात करते हो, हमारा विरोध ऐसे ही जारी रहेगा, हम किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हुआ विरोध, सिरसा के अंदर कौन से सरपंच थे, इतने जनसंवाद कर लिए, तीन दिन हो गए सीएम साहब को संवाद करते हुए, एक बार बार पूछ रहे हैं कि सरपंच हाथ उठाओ, उठाया किसी सरपंच ने, मिला कोई सरपंच? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि कहते हैं कि सरपंच अलग हैं, वो तो वैसे ही कांग्रेसी है, कोई बीजेपी वाले हैं अलग से कोई भी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, और अरे हमें देखिए, हमारी जो एकता है सिरसा के अंदर आज सामने खड़ी है, सारे सरपंच इकट्ठे हैं, एक दो कोई नुमाइंदे थे वो उन्हीं के ही थे, और कौन से सरपंच पहुंचे इसकी जनसभा के अंदर। दूसरे जोन में एलनाबाद और सिरसा का दौरा बताया गया है, क्या होगा, दौरा सफल होगा? पहले दौरे की बात करें तो वो असफल था, लगातार तीन दिन सीएम का विरोध था, काले झंडे भी दिखाए गए, उनके द्वारा लाठीचार्ज भी करवाया गया, क्या लगता है आगे दौरा सफल होगा? किसी भी हालात में फसल सफल नहीं होने दूंगी, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी और आपके माध्यम से आज और वार्निंग देती हूँ, मेरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी सरकार बीजेपी और जेजेपी के विधायक सीएम कोई भी घुसने का काम करेंगे तो मैं इसी तरह विरोध करूंगी। क्या बात, मेरे को नज़रबंद कर दिया, तो तरीके से नज़रबंद किया गया था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, कोई कागज नहीं था, कोई कुछ नहीं था, आगे से आप इस आगे की तैयारी के लिए आगे आप तैयार रहेंगे? हाँ आगे की मैं तैयारी है ना, मेरे हिसाब से चलूंगी, और फिर मैं कहती हूँ सरकार को मेरे को गिरफ्तार करके दिखाना, मेरा हक है विरोध करना, मैं मेरे हकों के लिए लड़ रही हूँ। अरे सरकार को इतनी हिम्मत है तो जिए ना हक, क्यों हक मार रहे हैं, आज किसानों के हक मार रहे हैं, सरपंचों के हक मार रहे हैं, एक आम नागरिक है उसके हक मारे जा रहे हैं, तो सरकार इतनी साफ है तो सामने आके बात करो ना। जब भी जनसंवाद हुए बोले हम जनसंवाद करते हैं और बात करेंगे, बात करने की बात आई तो जैसे भी है हमारी बहन नैना जोड़ ने बात करी तो उनके
उनके सामने क्या जवाब था उनका। उधर चिट्टे की बात आई तो सीएम साहब का क्या जवाब था, अरे किसानों पे लाठी चार्ज किया, किसानों ने बात उठाई तो सारे लाठी चार्ज करके उनको जो भी है उनको दबाने का काम करे। तो मैं इस गंदी सरकार को यह चेतावनी देना चाहती हूँ, हमारे कोई भी भाई है उनके जो हक है वो दबाने का काम ना करें। हम किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरा जोर शोर से ऐसे ही विरोध करेंगे। हाँ जी भाई जी, तुहानू भी नज़रबंद किया गया सी, काफ़ी अत्याचार सी सरकार दा, तुहाडे लीगल एडवाइजर अगे बोलती बंद सी प्रशासन दी, कोई भी सबूत नहीं सी, डॉक्यूमेंट नहीं सी, की कहना चाहते हो? कहना तो सरकार की धक्केशाही है जी, बहुत इन्नी डिक्टेटरशिप अज तक नहीं देखी, मेरी 45 साल की एज हो गई है, अज तक इन्ना डिक्टेटरशिप राज असी नहीं देखा गा जिनी डिक्टेटरशिप इन्होंने करी है। तो कल मैं लीगल एडवाइजर साडा सद्या तो उन्होंने गल करी तो पुलिस प्रशासन का SHO साहब का यही सीगा भी सानू उपरों हदायत आ, हुण ये नहीं समझ आ रही उपरों सरकार दे किहड़े मिनिस्टर की हदायत आ भी दो दिन वास्ते इन्हां नूं नज़रबंद करो। अज सुबह 6 बजे सानू घरों लैके इत्थे इस पुलिस लाइन दे विच बिठाता, तो ये जिन्ना सरकार सानू दबाऊगी उन्ना ही सरकार का असीं ज़्यादा विरोध करांगे, वध तों वध विरोध करांगे जी। ठीक है जी, आज ओटू के अंदर भी प्रोग्राम से अद्ध विचाले ही छड़ दिता गया, पूरी शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई, शिकायत ना लिया गई, अज बनी दे विच एक होर सिस्टम देखा कि परची सिस्टम किया गया, तो मोस्टली शिकायत BJP वाले आईया से, की लगता है चिट्टे दी गल चक्की खैरे का सीएम दा जवाब है, सीएम दा जवाब बंदा देना भी तुसीं तां सिखे सिखाए आए हो। उस तों बाद जो डबवाली दे विच कल होया कुलदीप गदराणा जी नाल कल होया जिवें ओह बैठे ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਜੋ ਨੈਣਾ ਝੋੜਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। 2024 ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਾਈਕਾਟ ਆਖੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ JJP ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਵੀ JJP ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ JJP ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਮਕੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ BJP ਨਾਲੋਂ ਆਪਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, किसानों को भी उठाया गया, कुछ हमारे साथियों को रानिया से, कुछ ऑटो से, जैसे हम अपने बात रखने जा रहे थे, भी बात करने के लिए हम कोई विरोध के लिए नहीं जा रहे थे। क्या मांगे थी? नज़रबंद किया गया, कुछ बम फेंकने जा रहे थे क्या? नहीं नहीं, बम नहीं, हमारा 2022 का बीमा अभी तक बाकी है, जैसे CSE सेंटरों का 12 महीने के बाद में दोबारा किस्त आ जाती है, जब बीमा देने की बात करते हैं ये लोग, जैसे इनको लगा भी बीमा ज़्यादा बढ़ गया, ये घाटे में कंपनी जा रही है, तब उस टाइम ये क्या करते हैं CSE सेंटर से जो बीमा घटता है वो वापस कर देते हैं। ये लाल कह रहा था सबसे ज़्यादा बीमा हरियाणा में आया है और CM कहता है ये 3 फसलें ले रहे हैं, आप कह रहे हो मुआवजा नहीं आया, क्या लगता है कितनी धक्का? देखो CM तो फसल की तो बात दूर से है, ये तो टीचर और अध्यापक भी कहते हैं, बिल्कुल फसल तो क्या फसल, तो ये इन्होंने कभी देखी भी नहीं होगी, टीचर अध्यापक में ही नहीं पता इनको, तो क्या बात कर रहे हैं आप।